الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار बुजुर्गों और भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर व बेशतर मोस्टली जुमा के खुतबे में ये मजमून बयान फरमाते थे। इससे आप समझें कि इस मजमून की कितनी अहमियत है। अक्सर व बेशतर ये मजमून बयान फरमाते थे और वो चार बातें हैं, वो चार बातें अक्सर व बेशतर जुमा के खुतबे में बयान करते थे। पहली बात, बेहतरीन कलाम अल्लाह का कलाम है। खैरल कलाम कलाम अल्लाह, अहसनल हदीस किताब अल्लाह, बेहतरीन बात, बेहतरीन कलाम अल्लाह का कलाम है। मगर मेरे भाइयों, हमारा हाल ये है कि हम दुनिया भर की बातें करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, मगर अल्लाह के कलाम को जो अहमियत देनी चाहिए, जो हक उसका है, वो हक हम अदा नहीं करते। अखबार पढ़ेंगे, बेकार काम, कुछ हासिल नहीं है अखबारों में। मोटी मोटी खबरें हैं, ये तो उड़ती उड़ती भी पहुंच जाती हैं। मोटी मोटी दुनिया की खबरें तो उड़ती उड़ती भी पहुंच जाती हैं। मैं कभी अखबार नहीं देखता और दुनिया के सब अहवाल मुझे पहुंचते हैं। मैं जानता हूं, जितना आप जानते हो उतना मैं भी जानता हूं। अखबार कभी मैं आदमी नहीं लगाते, क्यों? वो वक्त को जाया करना है, तो हासिल कुछ नहीं। और आजकल एक मुसीबत इंटरनेट की आई, ले खोल कर बैठ गए हैं, घंटों बर्बाद इधर की उधर की। ये गुमराही के असबाब में से एक बड़ा सबब ये इंटरनेट है। इसे समझ लो, ये समझो कि जमाने की बड़ी अच्छी चीज है। जमाने की सब चीजें अच्छी नहीं होती हैं, बाद परेशान मुसीबतें हो जाती हैं। ये इंटरनेट गुमराहियों के असबाब में से बहुत बड़ा सबब है। उंगलियां मारी और एक साइड निकल आई है कादियानी की, है खोजों की, है शियों की, है फुला की, है फुला की। अब जना पढ़ते चले जा रहे हैं, लच्छेदार मजमून है, बड़ा अच्छा मालूम हो रहा है और दिमाग आउट जा रहा है। अब उसे तो मालूम नहीं है कि साइड किसने डाल रखी है। हर आदमी इसमें साइड डालता है और हर आप पढ़ने बैठ गए, खोल करके किसी की बात पढ़ने बैठ गए, तो आपका दिमाग कहां जाएगा? इसलिए मेरे भाइयों, इसे समझो। जैसे हर किताब नहीं पढ़नी चाहिए, इंटर हर साइट भी नहीं पढ़नी चाहिए, वो नहीं देखनी चाहिए। हर किताब पढ़ने से कौन मुसन्निफ है, कैसा है, उसकी तहकीक किए बगैर हर किताब पढ़ोगे तो गुमराही पैदा होगी। इसी तरह से ये इंटरनेट अगर तहकीक किए बगैर कि कौन सा आर्टिकल किसका है, क्या है, गुमराही पैदा होगी। हम देखते आ रहे हैं, हम तो इस वेबसाइट की दुम भी नहीं जानता, मैं तो इसकी दुम भी नहीं जानता। वेबसाइट क्या मुसीबत होती है, वो जब अखबार नहीं पढ़ता तो ये कहां से पढ़ूंगा? लेकिन अहवाल सारी दुनिया के हमें मालूम है,
लोगों से अहवाल मालूम होते हैं कि इस जमाने की गुमराहियों में से एक बड़ी गुमराही इंटरनेट और वेबसाइट है, और इस जमाने के फितनों में से सबसे बड़ा फितना फोटो का फितना है। तस्वीर फोटो का जो फितना है सबसे बड़ा फितना है, और वो फितना जेब में आ गया, मोबाइल में आ गया, घरों में घुस गया, अखबारों में घुस गया। नंगी नंगी तस्वीरें। एक मर्तबा, कई सालों पहले की बात है, मैंने सोचा कि भाई कुछ अंग्रेजी सीखनी चाहिए, और उसका जरिया है अखबार। तो हमारे यहां दो तीन बड़े अखबार हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने जारी करवाया। अब जब वो अखबार आए, रोज खोलता हूं तो एक नंगी औरत की तस्वीर है। ये कोई औरत, नंगी औरत की एक तस्वीर तो है ही रोज। अब मैंने सोचा कि ये अखबार जब घर में आएगा और घर में पड़ा रहेगा, मैं तो कोई हर वक्त मेरे पास थोड़ी रहेगा, तो घर के सब बच्चे छोटे बड़े उसको देखेंगे। मैंने उससे कहा अंग्रेजी को सलाम, हमें नहीं चाहिए अंग्रेजी, ये फितना घर में नहीं घुसना चाहिए। मैंने अखबार बंद कर दिया, क्योंकि जो ऐसे अब तो सौ सौ सफे के अखबार आते हैं और दसियों बीसियों गंदी और नंगी तस्वीरें आती हैं। वो नंगी तस्वीरें घर में होंगे तो बच्चा देखेगा, खेलेगा देखेगा, बच्चा गोया परवान चढ़ा है उरिया नियत पर। हमारे बच्चे परवान चढ़ते हैं उरिया नियत पर। मेरे तो मेरी ये बात याद रखो, इस जमाने का सबसे बड़ा फितना फोटो है, और इस जमाने का सब गुमराही का सबसे बड़ा सबब इंटरनेट है। आप समझते कि इंटरनेट से कुछ हिदायतें दुनिया में फैलती होंगी? कहीं नहीं फैलती, गुमराहियां फैलती हैं उससे। आप सही आदमी की किताब पढ़ें, सही आदमी का आर्टिकल देखें, हिदायत मिलेगी। लेकिन बगैर इम्तियाज के अगर आप किताब पढ़ेंगे या आर्टिकल देखेंगे तो कहां से हिदायत मिलेगी? और मेरे भाइयों, हिदायत के लिए बहुत जतन करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, और गुमराही चुटकी बजाते गुमराही आ जाती है। अजीब हाल है, हफ्तों महीनों सालों मेहनत करो तब बंदा हिदायत पर आता है, और गुमराह होने में एक चुटकी बजाओ गुमराह हो गए। आप पढ़ते पढ़ते मालूम नहीं क्या बात आपने बीच में उधी सीधी पढ़ ली, बस आपका दिमाग आउट हो गया। बहरहाल मेरे भाइयों, हम ये सब कुछ पढ़ते हैं, मगर जो बेहतरीन कलाम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बेहतरीन कलाम है, उसी को हम उसका हिस्सा और उसका हक नहीं देते। लिहाजा रोजाना कुरान करीम के एक हिस्से की तिलावत करो, और रोजाना कुरान करीम के एक हिस्से की मोतबर तफसीर के जरिए मुताला करो। हर तफसीर भी मोतबर नहीं है, मोतबर उलमा की तफसीर किसी भी जुबान के पहले ये तहकीक करो कि तफसीर मोतबर उलमा आलिम की है या नहीं। मोतबर उलमा की तफसीर से एक हिस्से का मुताला करो और रोजाना कुरान करीम का एक हिस्सा पढ़ो। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आप सब दोस्तों को तौफीक अता फरमाए कि हम अल्लाह के कलाम के साथ जैसा हमें ताल्लुक कायम करना चाहिए ऐसा करें। दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये फरमाया करते थे कि जिंदगी गुजारने के स्टाइल बेशुमार हैं दुनिया में, वेरी बेस्ट। ये दुनिया में बेशुमार जिंदगी गुजारने के स्टाइल हैं, तरीके हैं, उनमें सबसे बेहतरीन तरीका मेरे आका का तरीका है। खैरुल हदी हदी मोहम्मद, बेहतरीन लाइफ स्टाइल, हदीयुन के माना लाइफ स्टाइल, जिंदगी कैसे गुजारनी है, कैसे रहना है, कैसे सहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, अपने जिस्म की तराश खराश कैसी करनी है, कैसी नहीं करनी, ये सब लाइफ स्टाइल में आता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन सीरत, उर्दू का लफ्ज सीरत, अरबी का लफ्ज हदीयुन, और आपका लफ्ज है लाइफ स्टाइल। ये बेहतरीन लाइफ स्टाइल, बेहतरीन सीरत
हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत है। लिहाजा मेरे भाइयों, हर इंसान कोशिश करता है कि अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर जिंदगी इख्तियार करे और तरीके जिंदगी अपनाए। हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुनिया में जितने लाइफ स्टाइल हैं, जितने जिंदगी गुजारने के तरीके हैं, सब में बेहतरीन तरीका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका है। हर एक का अपना जौक है, हर इंसान का उसका अपना जौक है और दुनिया में बेशुमार राहें हैं। बस अपने जौक को अपने नफ्स के ताबे मत करो, अपने जौक को अपने आका के स्टाइल तरीके जिंदगी के ताबे करो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ला यूमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहू तबअन लिमा जीतु बिही। हुज़ूर ने फरमाया तुम में से कोई आदमी मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिश उस दीन के ताबे न हो जाए जिस दीन को लेकर मैं आया। लिहाजा मेरे भाइयों, अपनी पसंद उस दीन को बनाओ जिस दीन को हमने अपना रखा है, जिस दीन को हमने गले लगा रखा है, जिस दीन को हमने दोनों हाथों से मजबूत। आका हमारा ये है और चेहरा हमारा ये है, ये कोई अच्छी बात नहीं। जो आका है उसी की तरफ देखो और उसकी जिंदगी अपनाओ। आका वो है, चेहरा अपरंग की तरफ है, चेहरा तहजीब जदीद की तरफ है, मॉडर्निज्म की तरफ है। अरे दामन तो तूने थाम रखा है फंडामेंटल का और तेरा चेहरा है मॉडर्निज्म, ये क्या दोनों तफावत है? लिहाजा हुजूर का ये इरशाद याद रखो, खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन, बेहतरीन तरीके जिंदगी, बेहतरीन सीरत, बेहतरीन सवाने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है और हमने दामन उनका थामा। हम कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, कलेमा का दूसरा जूज पढ़ते हैं, तो जब दामन उनका थामा है तो जिंदगी भी उनकी अपनानी चाहिए। हमें इधर उधर दूसरी जिंदगियों पर रीझना नहीं चाहिए, राल नहीं टपकानी चाहिए। तीसरा मजमून हुजूर ये फरमाया करते थे, खैरुल उमूर अवाज़िमुहा, कामों में बेहतरीन काम वो हैं जो सुन्नत हैं, वो हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने से चले आ रहे हैं। लोगों ने इस पुराने तरीके को बदनाम करने के लिए एक लफ्ज चलाया बुरे माने में, फंडामेंटल। अरे फंडामेंटल कोई बुरी बात है? बुरी बात तो नए नए तरीके निकलते हैं, वो तबाहकुन तरीके हैं। मालूम नहीं एक नया तरीका निकला है उसका अंजाम क्या होगा, किसी को नहीं मालूम। और एक पुराना तरीका जो चला आ रहा है सदियों से, सैकड़ों साल से लोग उसकी इफादियत का तजर्बा करते आ रहे हैं, तो पूरा बात का पुराना होना, बात का पुराना ना ऐब नहीं खूबी है। मगर लोगों ने इस लफ्ज को बुरे माना में चला दिया है, इसलिए मेरे भाइयों ये बुराई की बात नहीं है। जो बात सैकड़ों साल से चली आ रही है ठोक बजा करके उसको उसकी इफादियत मालूम हुई है, और वो बात चलाई है किसने? जिसको हम मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं और पढ़ते हैं, उनके शागिर्दों ने, सहाबे किराम ने वो बात चलाई है। वो जो पुरानी बात है उस पुरानी बात को मजबूत पकड़ना। तो फरमाया खैरुल उमूर अवाज़िमुहा, बेहतरीन काम सुन्नत वाले काम हैं, और इसका मुकाबिल फरमाया शर्रुल उमूर मुहदसातुहा, जो बिदआत मुहदसात नई बातें
मुसलमानों ने निकाली है, गैरों ने नहीं, खुद मुसलमानों ने जो बातें दीन में नहीं निकाली हैं, हुजूर ने फरमाया बदतरीन बातें, बेहतरीन बातें सुन्नत हैं, बदतरीन बातें बिदअत हैं। फिर ये भी फरमाया कि सिर्फ बदतरीन ही नहीं, ये जो बिदआत हैं ये सिर्फ बदतरीन बातें ही नहीं, ये गुमराही है। कुल बिदअतिन वलाला, हर बिदअत गुमराही। ये डिग्री बढ़ गई, एक तो है एक बात बुरी है। चलो दुनिया में बहुत सी बातें बुरी और अच्छी होती, जैसे कुरान करीम बेहतरीन बात है तो दूसरी बातें भी हैं, दूसरी बातें पढ़ना नाजायज थोड़ा है। कुरान बेहतरीन बात है इसका मतलब कि कुरान ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। बिदअत सिर्फ इतना नहीं है कि वो बिदअत है, वो बुरी बात है, बल्कि फरमाया हर बिदअत गुमराही। और ये फरमाया कि गुमराही का अंजाम जहन्नम है, जन्नत में गुमराही नहीं पहुंचेगी। वो कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, ये लाइन, इस लाइन का एंड जहन्नम है। जन्नत तक कौन सी लाइन पहुंचती है? सुन्नत की लाइन पहुंचती है, सुन्नत ही की लाइन जन्नत तक पहुंचती है, बिदअत की लाइन जहन्नम तक पहुंचती है। बस अगर कोई शख्स बिदआत में मुब्तिला है और ख्वाब देखता है कि मैं जन्नत में पहुंचूंगा, ई ख्यालस्तो महालस्तो वहम, अगर जन्नत में जाना है, और इंशाअल्लाह हम सबको जाना है, उसी के लिए तो यहां इकट्ठा हुए हैं, और क्या लेने आए हैं? जन्नत में जाने के जतन और मेहनतें जो कर रहे हैं, सबको जन्नत में जाने का इरादा है, तो फिर आउटलाइन पर मत चलो। अगर जन्नत में जाना है तो आउटलाइन पर मत चलो, आउटलाइन तो तुम्हें कहीं से कहीं ले जाएगी, जहन्नम के खड्डे में ले जाएगी। राइट पाथ पर चलो, स्ट्रेट वे पर चलो, जो सीधा रास्ता है, सिरात मुस्तकीम है। और सीधा रास्ता और सिरात मुस्तकीम सुन्नत का रास्ता है। लिहाजा मेरे भाइयों, वो बातें जो दीन में हैं या दीन में उनकी असल है, या वो बातें दौरे नबवी में और दौरे सहाबा और ताबीन में थी, वो सुन्नतें हैं। और दूसरी बातें जो दीन के नाम पर दीन में बढ़ाई गई हैं, दरा हाले के नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और कुरून मशहूद लहा बिल खैर में वो बातें नहीं थी, उसका सबब भी मौजूद था, फिर भी वो बातें नहीं थी। बस ऐसी बातें जो दीन में बढ़ाई जाती हैं वो बिदआत कहलाती हैं, वो नई ईजाद कहलाती हैं, वो ईजाद बंदा कहलाती हैं। मेरे भाइयों, हमेशा तहकीक करो, सुन्नत क्या है, बिदअत क्या है। बिदअत से कोसों दूर भागो, सुन्नत को गले लगाओ, यही जन्नत में जाने का रास्ता है, दूसरा रास्ता जन्नत में जाने का नहीं। हदीस शरीफ में है के बिदअती की कोई इबादत अल्लाह के यहां कबूल नहीं, न फर्ज इबादत कबूल है, न नफल इबादत कबूल है, न छोटी इबादत कबूल है, न बड़ी इबादत कबूल है, न जाहिरी इबादत कबूल है, न बातिनी। बिदअती की कोई इबादत अल्लाह के यहां कबूल ही नहीं। फिर जन्नत में कैसे जाएगा जब? बल्कि एक हदीस में तो है, मुवक्करा साहिबा बिदअतिन फकद आना अला हदमिल इस्लाम, जिसने बिदअती का रिस्पेक्ट किया है, उसने इस्लाम की बुनियादें ढा देने में मदद की। इस्लाम की बुनियाद ढाने में, डायनामेट करने में उसने मदद की। किसने? जिसने किसी भी बिदअती का रिस्पेक्ट किया। हदीस शरीफ है, मन वक्कर साहिब बिदअतिन फकद आन अला हदमिल इस्लाम। लिहाजा मेरे भाइयों, तीसरी और चौथी दो बातें एक साथ हैं और आमने सामने हैं। बेहतरीन उमूर सुन्नतें हैं, पुख्ता बातें हैं,
अवाजिम हैं और बदतरीन बातें नौ ईजादात हैं। नौ ईजादात दुनिया के अंदर नहीं, दीन में, दीन में नई बातें पैदा की हुई। देखो इस तरीके से हदीस शरीफ में है कि जब भी कोई बिदअत उम्मत में पैदा होगी तो एक सुन्नत जाएगी। देखो एक बड़ी रात आई, हम रात भर जगेंगे और इबादत करेंगे तो फजर जाएगी। पूरी रात भर इबादत करके फजर भी पढ़े ऐसा बहुत कम होता है। ईशा और फजर तो कौन पढ़ेगा, जो सुन्नत के मुताबिक ईशा पढ़ी, इधर उधर लघवियात में बकवास में पढ़े बगैर सो गया और फजर में उठकर फजर पढ़ी। और अगर एक बड़ी रात आई उसमें थोड़ा बहुत इबादत करने में तो कोई हर्ज नहीं, रात भर जगा और जग करके किया कुछ नहीं, हु हा नौजवान करते रहे, वो फजर की नमाज नहीं पढ़ेंगे। ये एक मिसाल है, जब भी उम्मत में कोई बिदअत घर करेगी तो उसके जगह पर एक सुन्नत उम्मत में से उठ जाएगी। तो बिदअत का सबसे बड़ा नुकसान तो ये है, मुझे बताओ कोई बिदअती जो किसी मौके पर बिदअत में मुब्तिला हो वो जरूर किसी न किसी फर्ज वाजिब या सुन्नत से कोताही कर रहा होगा, नजरअंदाज कर रहा होगा। फिर ये जो बिदआत हैं इनके ईजाद करने वालों का ख्याल ये है कि हुजूर जो दीन लाए हैं वो नाकिस है, अधूरा है, मैं उसमें ये इजाफा करूंगा तब हुजूर का लाया हुआ दीन कंप्लीट होगा। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। देखो मैं मिसाल दूं, लोग मरते हैं, मरने के बाद पीछे वाले सोम करते हैं, दहुम करते हैं, चाहलुम करते हैं, बरसी करते हैं। क्या हुजूर के जमाने में और सहाबा के जमाने में लोग नहीं मरते थे? उस वक्त भी मरते आए हैं, अगर वो न मरते तो हम कहां से होते जमीन पर। फिर वो किसी के मरने के बाद में ये क्यों नहीं करते थे, इसाले सवाब के लिए कुरान पढ़ने के लिए या खाना पकाकर गरीबों को खिलाने के लिए, ये दिन सोम दहुम चहलुम बरसी ये क्यों नहीं करते थे? आज जो लोग ये चीजें मरने के बाद में इजाफा करते हैं उसके तीन सबब हैं। एक तो इसलिए करते हैं कि दीन नाकिस है, इन्होंने दीन पूरा किया। दूसरे इसलिए करते हैं तो कौन रोज रोज इसाले सवाब करे, दो तीसरे दिन दसवें दिन चालीसवें दिन निमटा दो, एक मरतबा रोज रोज इस मुसीबत में कौन पड़े। बल्कि अब तो लोग हायर कर लेते हैं, मौलाना साहब ये कुरान मेरे अब्बा को पढ़ के पहुंचा दिए, लो $100। यूं इस तरह से सौदेबाजी हायर होते हैं कि मेरे अब्बा को ये कुरान पढ़ के बकरी दी, लो $100। मौलाना साहब ने रख दिया और कहा आपको बख्श दूंगा, और न उसके पढ़ने का मौलाना साहब को सवाब मिलेगा न बख्शा जाएगा, $100 गए। मगर मेरे भाइयों, जिन माँ बाप ने अपनी औलाद के लिए अपनी जिंदगियां हराम कर दी हैं, नींद बर्बाद कर दी है, औलाद को इतनी तौफीक नहीं है कि खुद पढ़कर अपने माँ बाप को ये कुरान भेजे, इतनी तौफीक औलाद को नहीं होती है। मौलाना साहब को $100 पकड़ा दिए, अरे खुद पढ़ो, अपने माँ बाप ने तुम्हारे लिए क्या किया है उन माँ बाप को याद रखो, अगर तुम खुद याद नहीं रखोगे तो मौलाना साहब क्या याद रखेंगे। तो एक तो बिदआत के शुरू करने के बाद जो बैकग्राउंड जो है दिमाग में वो ये है कि दीन नाकिस है, मैं उसे पूरा कर रहा हूं। तीसरे एक रस्म है जो चलती है, और चौथी दूसरे एक रस्म है जो चलती है, और तीसरे जब भी कोई बिदअत पैदा होगी तो सुन्नत उठेगी। ये दूसरा कैश नुकसान, इसलिए हुजूर ने तीसरी और चौथी बात कही कि सुन्नतों को मजबूत पकड़ो। कोई भी काम सामने आए पहले तहकीक करो कि सुन्नत है या बिदअत है। अगर सुन्नत है तो हाथ डालो, और बिदअत है तो किनारा कशी इख्तियार करो। चार बातें, बेहतरीन कलाम अल्लाह की किताब है,
बेहतरीन लाइफ स्टाइल मेरे आका की लाइफ स्टाइल है, बेहतरीन बातें सुन्नतें हैं और बदतरीन बातें बिदअतें हैं। इन तीन चार बातों को याद रखने की और उस पर अमल करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।